बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन पर 19 अगस्त की सुबह उद्यान एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई। आग लगते ही स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने ट्रेन में लगी आग पर काबू पाया। दरअसल ट्रेन मुंबई से बेंगलुरु स्टेशन के बीच चलती है और KSR रेलवे स्टेशन अंतिम स्टॉपेज है, जहाँ पर यात्रियों के उतरने के बाद अचानक से ट्रेन में आग लग गई। बता दें कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से चलने वाली ट्रेन नंबर 11301 उद्यान एक्सप्रेस 19 अगस्त की सुबह 5:45 पर बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी और करीब 7:10 पर ट्रेन के कोच B1 और B2 से धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके बाद तुरंत ही फायर ब्रिगेड को अलर्ट किया गया। हालांकि अभी तक हादसे में किसी भी यात्री के घायल होने की खबर नहीं आई है। फिलहाल KSR रेलवे स्टेशन पर आग लगने के पीछे का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारियों ने मामले का जायजा कर आगे की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है और ये भी सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है कि जल्द ही कारणों का पता लगाया जाएगा। ट्रेन में आग लगने की ये इसी हफ्ते में दूसरी घटना है। इससे पहले 16 अगस्त को कच्चा तेल लेकर मुंगेर से केवल जा रही मालगाड़ी के चक्कर में जमालपुर रेलवे स्टेशन पर आग लग गई थी। हालांकि समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया था और कोई बड़ा हादसा होने से पहले ही टाल दिया गया था।